राधे गोविंद, अगर आपको भी एंजल नंबर 333333 नजर आ रही है तो इसका मतलब है एंजल्स आप तक कोई स्पेशल गाइडेंस, कोई स्पेशल मैसेज, संदेश पहुंचाना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना है, सुनना है। क्या है वो बातें, क्या है वो गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, वो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बार बार कहती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल देती हूँ। आप सारा दिन हर टाइम काम 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 करते रहते हो। हाँ, काम करना ज़रूरी है, लेकिन आपको रेस्ट भी करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। तो इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपने अपनी हॉबीज को बैकग्राउंड पे रख दिया है। अभी समय है आपको जो अच्छा लगता है, या फिर अच्छा लगता था एक समय, अभी आप भूल चुके हो काम की वजह से सब कुछ, जैसे कि पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, डांस करना, ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो करो। और आप ये महसूस करोगे कि अरे ये मैं क्यों नहीं करता हूँ या करती हूँ, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील करती हूँ मैं, करता हूँ मैं। एंजल नंबर 333 के जरिए एंजल आपसे कह रहे हैं आपने खुद को भुला दिया है, खुद को निहारो, खुद को पहचानो, सेल्फ लव करो। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेल्फ लव करो, मिरर वर्क करो, आप मिरर टेक्निक करो। सुबह उठ के सबसे अच्छा समय है, सुबह उठ के आईने के सामने जाओ, खुद से बातें करो, खुद को देखो, खुद को फील करने की कोशिश करो, खुद को समझने की कोशिश करो, खुद को जानो, खुद को समझो। 21 डेज तक ये आप कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। गॉडेस ऑफ द मून आपको ये गाइडेंस दे रही है, रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, तो ये बात ध्यान रखना। अगर आपके एक्स पार्टनर ने, एक्स लव पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, ब्रेकअप कर लिया है आपसे, तो वो अभी इस समय खुश नहीं है। वो आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं, शर्म के मारे आपके सामने आ नहीं सकते हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं। उनको पता चल गया है कि उन्होंने सच्चा प्यार खो दिया है। आप जैसे उनको प्यार करते थे, ट्रीट करते थे, वो सब कुछ उन्होंने खो दिया है। कोई दूसरा पर्सन ऐसा कर ही नहीं सकता है। आपको एंजल नंबर 333333 इसी कारण की वजह से भी नजर आ सकती है। आप
सफल होना चाहते हो, सक्सेस चाहिए आपको, लेकिन सक्सेस तो मिल नहीं रहा है। आपके मन में ये सवाल है कि अरे भाई मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, कर रहा हूँ, सक्सेस क्यों नहीं हो पा रही हूँ, हो पा रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रहा है सक्सेस, इतना तो काम कर रही हूँ, फिर भी दो रीजन है। एक है आपके पास नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन कम है, और थोड़ा ज़्यादा नॉलेज गेन करने की आपको ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। सेकेंड रीज़न ये है कि जो आप कर रहे हो ना, जोर जबरदस्ती कर रहे हो, मुझे ये चाहिए, पाना ही है, क्यों नहीं होगा, इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं, मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए, ये इंसान चाहिए, ये नौकरी चाहिए, ये फ्लैट चाहिए, ये कार चाहिए। जब भी कोई काम हम फोर्सफुली करते हैं, उस पर ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होती है। अगर खुश होके करते हैं, दिल से करते हैं, तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है, कब स्मूथली चले जाते हैं, सक्सेस के साथ आगे बढ़ जाते हैं, हमें समझ भी नहीं आता है, फिर हम सोचते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, कैसे मैं पहुंच गई यहाँ, ये मेरा सपना था, ये पूरा हो गया, तब जाके हम सोचते हैं, एक रिलैक्स माइंड में रहते हैं। रिलैक्स माइंड में कीजिए ना, खुश मिजाज में कीजिए, देखिए फिर क्या होता है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द सीजन द नोवेलेंट यूनिवर्स, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, राधे राधे।